गाइज, अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ ड्राइवर इशू है, आपका ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा है या फिर ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपके लैपटॉप में एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके लैपटॉप में इंटेल का प्रोसेसर है तब आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अगर आपका प्रोसेसर राइजन है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है राइजन, राइजन 5 है या फिर 7 है, जो भी राइजन 5, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, राइजन 5 ब्लूटूथ ड्राइवर। और विंडोज 10 हो तो विंडोज 10, 11 हो तो आपको विंडोज 11 ऐसे सर्च करना है, और देन आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, और उसके बाद इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। तो जो स्टेप्स मैंने आपको अभी बताया वो फॉलो करना है, और अगर आपका 32 बिट हो तो ये डाउनलोड करें, 64 बिट हो तो ये डाउनलोड करें। तो आपका कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि आपके लैपटॉप में कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो उसके लिए आप माई कंप्यूटर में आ जाए और सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे आप आए। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवाइस स्पेसिफिकेशन में आपको सिस्टम टाइप में देखने को मिल जाएगा 64 बिट। अगर आपका 32 बिट होगा तो यहाँ पर 32 बिट शो होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करें। तो यह वेबसाइट है राइजन प्रोसेसर के लिए और यह वेबसाइट है इंटेल के लिए। तो अगर आपका इंटेल में 32 बिट है तो आप ये इंस्टॉल करें। अगर आपका विंडोज 10 64 बिट हो या फिर विंडो 11 64 बिट हो तो आप इसको डाउनलोड करें। ये डाउनलोड करने के बाद इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा और आपका सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ ये डाउनलोड हो गया है, लेकिन मेरे लैपटॉप में कोई भी अभी ब्लूटूथ ड्राइवर इशू नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए कमेंट पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने जो ब्लूटूथ ड्राइवर बताया है डाउनलोड करने के लिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप इस तरीके से प्रोसेसर के अकॉर्डिंग डाउनलोड करें, अगर राइजन हो तो आप ये वाला डाउनलोड करें और इंटेल हो तो आप इस ट्राई करें। तो दोनों वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज, आपने सभी तरीके अपना करके परेशान हो गए हैं। अगर आपके लैपटॉप में हार्डवेयर इशू है, जैसे कि आपका ब्लूटूथ जो सपोर्ट करता है उसका कार्ड ख़राब हो, तो आप कितना भी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे फिक्स नहीं होगा। तो उसके लिए आप 300-400 रुपये खर्च करके एक यूएसबी अडेप्टर, ब्लूटूथ अडेप्टर आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, किस तरीके से उसे आप लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी इशू हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।